क्योंकि ये एडवर्सेरियल लिटिगेशन नहीं है। तो फिर आप ये भी कह सकते हैं इनकी जो तमाम बातें शौकत सिद्दीकी साहब की सारे मफरूज हैं, तो फिर हम आपकी बात मान लेते हैं सब मफरूज हैं। There is a written statement by at that time a judge of the High Court in which he says that these military officers visited me. He mentions, in fact, in one of the replies that there were other persons present. So presumably they could also be called as summoned as witnesses. यार बात नहीं, आप बात नहीं समझ रहे ना। अगर तो वो होता, बात ये होती, ये military officers आए कि जी मेरा भाई कंटेस्ट कर रहा है इलेक्शन, इसको क्वालिफाई कर दो, इसको डिस्क्वालीफाई कर दो, या मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, या मेरा कोई रिश्तेदार कर रहा है, या मेरे कोई बरादरी का कर रहा है, तो फिर तो बात आपकी सही थी। मगर जब स्टेट मशीनरी इस्तेमाल हो रही है, ये लोगों को तनख्वाह, मुझे भी आपको नहीं मगर हमें भी तनख्वाह देते हैं ये गरीब आवाम, ठीक है, तो फिर आप या तो ना बात कीजिए या फिर पूरी बात कीजिए। आप ये कह रहे हैं चलें इसको मालूम कर लेते हैं, चलें हमने इनकी बात मान ली, चलिए सब कुछ इन्होंने लिखा सही है, तो फिर क्या होगा, हम क्या करें, करेंगे इनको पेंशन दे दें, बस ये इतनी सी मसला है। वो तो शायद हम ऐसी सरकार ऐसी इनको अगर पेंशन दे दे तो इंफ्रक्चर्स हो जाएगी पिटिशन इनकी, क्योंकि 62 साल तो उनकी उम्र बढ़ गई है ना, तो वो तो अब आई नहीं तक वापस तो नहीं जा सकते अपने अहदे तक, वहां तक तो इनकी पिटिशन फ्रेम नहीं हो सकती है। देखिए ये एक बात जब आप करें ना तो आप उसके नतायज सोच समझ के आया करें करने के लिए। हम तरतीब से चलेंगे, पहले केसेस लगते थे नहीं लगते थे, अब हमने जितना शफाफियत लाने की कोशिश कर रहे हैं सिस्टम में, अभी भी इसमें यकीनन खामियां हैं, आहिस्ता आहिस्ता दूर कर रहे हैं, पुराने केसेस लगा रहे हैं हम, एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस नहीं लगता है, दूसरा दूसरे दिन लग जाता है, जो 10 साल से नहीं लगा था हमने उसको भी लगवाया, तो ये बातें नहीं होंगी क्या? अब आप वही काम कर रहे हैं जो दूसरे कर चुके हैं, सिस्टम को इस्तेमाल कर रहे हैं। सर मेरी नाकिस राय में अगर ये इल्जामात सच्चे साबित होते हैं तो फिर उसका अगला मरहला, आप बात नहीं समझ रहे हैं, अगर साबित होते नहीं हैं, अभी तो हम इस मफरूजे पे चलेंगे ना, एक शख्स हल्फिया कह रहा है ये सच्चे हैं, हम इनकी बात मान लेते हैं मगर सुनेंगे फिर भी दूसरी साइड को, ठीक है, इसी अगर हम इनकी बात में बिल्कुल ही वो नहीं है, नहीं मानते तो हम इनकी पिटिशन फौरन खारिज कर देते हैं, ये सच नहीं बोल रहे, खत्म हो गई बात। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं तो इन्हीं इसी बात पे कह रहे हैं कि एक शख्स जो जज था अपने वक्त में और यकीनन उसने जो बात की होगी उसमें कुछ जो भी बात उन्होंने की है, तो हम आगे बढ़ रहे हैं ना, तो पर आगे भी बढ़ेंगे तो पूरा रास्ते चलेंगे हम, आधे रास्ते आप नहीं कहेंगे अच्छा अच्छा अब बस हमारा काम हो गया अब हम घर जाते हैं, आप देखिए आप आगे ना जाइए इस बात के, बस 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 इधर तक जाइए आगे ना जाइए, ये इसका मतलब होगा कि आप हमें इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर मैं कतई ये नहीं कह रहा सर, जहां तक ये कड़ी चलती है तो फिर आप हमें रोक क्यों रहे हैं, आप हमें बताते नहीं है, एक अगर आप किसी लिए कर रहे हैं ना काम तो फिर आप सहूलियतकारी या तो अपनी जात के लिए कर रहे हैं, देखें आप बता दें, मैं बार बार आपसे सवाल पूछ रहा हूं, ये लोग अपनी जात के लिए कर रहे थे हाँ या ना? सर मुझे इस चीज का इल्म नहीं है कि वो अगर अपना जाती दुश्मनी में किसी के खिलाफ नवाज शरीफ के खिलाफ चल रहे थे, ये जो आप केस आप ये जो केस कर रहे हैं या आप अपनी जात के लिए कर रहे हैं बार एसोसिएशन के लिए कर रहे हैं? सर विद रिस्पेक्ट एज अ बार एसोसिएशन अगर मैं ये कहूँ कि शौकत सिद्दीकी साहब ने तो ये लिखा है मगर मेरे अंदाजे में ये पीछे इसके एक्स वाई जी और था, आप उनको भी बुलाएं, तो मैं समझता हूँ बतौर बार एसोसिएशन दैट वुड बी इनअप्रोप्रिएट। अभी मेरे सामने जो चीज है मैं उस हद तक जनाब के सामने इस्तदा कर रहा हूँ कि कम से कम उस चीज में तफ्तीश हो, उसके बाद अगर सामने आता है वो अशखास आते हैं और वो कुछ कहते हैं या कोई और एविडेंस आता है तो देन ऑब्वियसली जहां तक वो करी जाए जनाब को बिल्कुल उसके मुताबिक उन तमाम बेनिफिशरीज को भी शामिल करना चाहिए, मगर मैं अभी एज अ बार एसोसिएशन आई कैन नॉट रिस्पॉन्सिबली से हु एल्स दे वर कोल्यूडिंग विद। आप बात समझ नहीं रहे या उसको
देखें, या एक शख्स की बात माने या एक शख्स की बात मत माने, आपका कहना है ये शौकत सिद्दीकी साहब की बात दुरुस्त है, इसीलिए आपने पिटिशन फाइल की है, और तो कोई वजह हो नहीं सकती है। अगर आप इन पे भरोसा नहीं करते तो आप ये पिटिशन नहीं लाते, आप कहते हैं तो अपनी जात के लिए कर रहे हैं या इनका कोई और मकसद है, ये बिलावज पिटिशन कर ली, इसीलिए तो आप आए हैं ना। तो अब जब इन्होंने जो बात की, इन्होंने जो बात की, हम ये बात कह रहे हैं उसकी फायदेमंद कौन निकल रहा है इस बात से, पता नहीं है, ये समझ नहीं आ रही है। छोड़ दें बात को, देखें ये तो आपने मशवरा कर लिया अपने क्लाइंट से, ये तो आसान बात है। मैं एक गुजारिश, पहले मेरी एक गुजारिश सुनने में बड़ी देर से ये तो आसान बात है, जिन अशख़ास का आपने नाम लिया वो कहेंगे जी हमारा क्या ताल्लुक है, जो भी आता है ये बातें सारी गलत है। मटरेंट्स, देखिए आप अपनी तकरीर में इन्होंने कहा, एक जुमला इस्तेमाल किया कि इस तरह तो हमारे 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी। तो मेहनत किसी मकसद के लिए किया जाती है ना, क्या मकसद था? वो तो वही बताएंगे ना, आप बताएंगे नहीं, हम तो हमें तो इंटरफेरेंस थी हमारे साथ। देखिए हमारे पॉइंट ऑफ व्यू तो सुन लीजिए ना, देखिए हम यहाँ पर जो कुछ भी इन्होंने किया, इन्होंने जुडिशियल इंडिपेंडेंस के लिए कहा कि भाई आप हमें नहीं बताएंगे कि हमने क्या फैसले करने हैं, हम फैसले आइन और अपने कॉन्शियंस के मुताबिक करेंगे, ये हमारा स्टैंड। आपके क्लाइंट ने पूछा नहीं कि क्यों कर रहे हो? माशाल्लाह जज है, उसको कुछ इतनी समझ नहीं आएगी कि ये क्यों कर रहे हैं। नहीं देखिए, अगर देखें कोई, मैं मिसाल देता हूँ कि दूसरे की मिसाल क्यों दूं, अपने ही पे ले लेता हूँ, ठीक है। वो कहते हैं आप ये काम कर रहे हैं, पहला सवाल मैं पूछूंगा नहीं तो जहन में तो आएगा ना ये क्यों कह रहा है, ठीक है ना। कोई ऐसी मैं कह रहा हूँ ना, नहीं कोई वजह होगी ना, या तो कहें मैं तो इतना मासूम हूँ, मुझे तो बात ही नहीं समझ आती है। देखें या तो देखें, या तो फिर आप कहें कि फिर अगर उस स्टेज पे आप अपने आप को ले जाना चाहते हैं, फिर आपके पिटिशन को फिर हम बहुत सस्पेक्ट तरीके से देखेंगे। भाई अगर एक शख्स आ रहा है, बात कर रहा है, यकीनन उसकी सोच समझ फहम ये सारी बातें वो किसी नतीजे पे तो पहुंचेगा ना। अच्छा इस बार आदमी ने ये कहा, भाई कह दिया इनकार कर दो, उसको छोड़ दो, ठीक है। वो मेरे वो नायब कासिद ने मुझे ये कह दिया, ठीक है, तो उसका कोई मकसद होगा ना, या इधर से सुना इधर से निकाल दी बात, एक तो ये तरीका होता है। या आपने कहा, आपने ये बात महदूद नहीं रखी, आपने कहा कुछ फौजी अफसरान अदलिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, रजिस्ट्रार ऑफ द सुप्रीम कोर्ट मिलकर एक साजिश कर रहे थे। तो ये साजिश का कोई जहन में बात होती ना, हम साजिश इसलिए कर रहे हैं हमें इस मुल्क को जाके फतह करना है, हम बस साजिश करते हैं, कोई वजह नहीं हमारा, बस हम साजिश ही करते हैं। एक आपका ये मौकिफ हो सकता है, सब साजिश ही थे, पता नहीं क्या कर रहे थे। भाई कोई भी चीज आप करते हैं ना, आप गाड़ी में बैठते हैं ना तो किसी तरह तो आप उसको ले जाएंगे, गाड़ी कहती जहां मर्जी ले जाओ मुझे, वो गाड़ी ले गई, ड्राइवर मुझे ले गया, फिर आप कहेंगे ड्राइवर को इधर चलो उधर चलो। ये दुनिया का कायदा असूल है, ये दोनों तरीके से नहीं चलेगा। आप जहाज का टिकट कटवाते हैं तो कहीं के लिए कटवाते हैं, तो नहीं कि आज मैं जहाज से जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा ये पता नहीं, पायलट की मर्जी है जहां मुझे ले जाए। मुझे इजाजत दें 2-3 मिनट एक कंटिन्यूसली बात कर लूं मैं। जी फरमाइए। देखिए हर चीज का मिनिमम और मैक्सिमम होता है, इंसान की दानिश ने इंसान को कुछ चीजें सिखाई हैं कि इस चीज का ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम है। मिनिमम क्या है सारी एक्सरसाइज का, कि जुडिशरी के साथ इंडिपेंडेंस, जुडिशरी के साथ इंटरफेरेंस एस्टैब्लिशमेंट की नहीं होनी चाहिए, वो अपने फैसले अपनी मर्जी। नहीं मैं बिल्कुल आपको रोकूंगा अगर आप आईनी जबान इस्तेमाल नहीं करेंगे। आईनी सवाल ही कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं कर रहे। आप मुझे आईन में एक लफ्ज बता दें एस्टैब्लिशमेंट, आप नाम लेंगे या मत लें, आईनी कोर्ट है, आईन की बात करें, कानून नहीं। नहीं चलिए नहीं, फौज की बात कर, नो आप बात करेंगे तो आप बात कीजिए आईनी और कानूनी बात, एस्टैब्लिशमेंट पता नहीं क्या है। चलिए मैं आप पाकिस्तान को आईनी तकाजों में चलवाए ना, क्यों नहीं चलवा रहे हैं सर? वही तो सारी बात है, हम आपके सामने क्यों है। एक अपार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन ऑफ वन पर्टिकुलर जज,
मैं तो उससे ज्यादा लार्जर पर्सपेक्टिव में आपके सामने आया हूं कि आपने पहली दफा हम ये देख रहे हैं कि अगर जज के खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में कार्रवाई हुई है उसके खिलाफ एडवर्स रिपोर्ट बगैर इंक्वायरी के सबमिट हो गई है, क्योंकि शौकत अली का केस है हमारे सामने, उनको पूरी इंक्वायरी की गई थी, उनको पूरे मौके दिए थे कि वो अपने डिफेंस में विटनेसेस पेश कर सके। इसी तरह उससे पहले भी एक जज साहब थे लाहौर हाई कोर्ट के, आई थिंक अखलाक, उनके अभी रिपोर्टेड जजमेंट है, उनके 56 कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उनके खिलाफ एलिबरेट इंक्वायरी हुई थी। यहाँ पहली दफा सूरत हाल ये है कि बगैर इंक्वायरी के अभी हमने जवाब सबमिट किया। आज हम इंक्वायरी करना चाहते हैं, आपसे पूछना चाहते हैं कि आप प्लीज असिस्ट अस, हमें बताएं। देखिए इसमें आपको बहुत ये जरा देख रहे हैं, आपका क्लाइंट बड़े खतरे में भी हो सकता है। यहाँ पे जवाब आया चीफ जस्टिस साहब का, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उन्होंने तो आपकी तमाम बातों को डिनाई कर दिया। ठीक, एक चीफ जस्टिस जवाब दे रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं, तो अगला शख्स ये भी आके कह सकता है कि आपका और चीफ जस्टिस का ज़ाती मसला था, आपने मुल्क को इसमें शामिल कर दिया, इतने बड़े मसले, ये तो आपके खिलाफ ये बात भी आ सकती है। इंक्वायरी करते हैं ना तो उसमें जो इंक्वायरी के लिए कुछ सवाल आते हैं उसके जवाब दिए जाते हैं, वो एक जवाब आप नहीं दे रहे। सुबह देखिए बात ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि किसी जज को रिमूव नहीं किया जा सकता अनलेस, तो आपका मसला पूरी सुन लीजिएगा। अच्छा अभी खत्म नहीं हुआ क्यों? अभी नहीं, मैं गुजारिश ये कह रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि किसी जज को आप रिमूव नहीं कर, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जो है वो रिकमेंडिंग बॉडी है टू द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट कैन रिमूव हिम, बट द रिपोर्ट हैज टू बी बेस्ड ऑन इंक्वायरी। ये आर्टिकल 209 में दो दफा ये बात कही गई है, जब इंक्वायरी ना हो और रिपोर्ट बगैर इंक्वायरी के सिर्फ प्रिजम्पशंस पे ही बेस्ड हो जाए तो उस सूरत में वो रिपोर्ट जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसकी बुनियाद पर जो ऑर्डर है वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये बात आपसे हो सकता है, काउंसिल ने आपसे ये सवाल किया हो कि क्या वजह है जो आपने इनका नाम लिया, आप जवाब आपने ना दिया हो तो उन्होंने प्रिज्यूम ये किया हो कि आपकी बात गलत है। ये तो फैक्चुअल डिटेल्स है ना, ये इंक्वायरी में खुलनी थी, इंक्वायरी क्यों नहीं की गई? मैं आप इसको खुल के बात, इंक्वायरी इसलिए नहीं की गई कि हमने इन जर्नलिस्ट को बुला लेना था। हम छोड़ दें, आज हम बुला रहे हैं ना, हम आपको कह रहे हैं कि आप हमें बताएं, हम करना चाहते हैं। वो ये फोरम उससे ज्यादा बड़ा है, ये 5-member बेंच है, वो एक काउंसिल है, उसलिए अगर इंक्वायरी जनाब करना चाहते हैं मोस्ट वेलकम, फिर उस सूरत में इनको आपकी इजाजत चाहिए। मिस्टर हामिद खान साहब, मिस्टर हामिद खान साहब जी, दिस इज नॉट अ केस ऑफ लेवलिंग एलिगेशंस अगेंस्ट सम इंस्टीट्यूशन ओनली, बट दिस केस इज आल्सो अ केस ऑफ मलाइनिंग वंस ओन इंस्टीट्यूट एज वेल एज वंस ओन चीफ जस्टिस आल्सो, प्लीज कीप दिस आल्सो इन माइंड। एक्जेक्टली सर, बिल्कुल सही जनाब ने फरमाया, इसलिए हम कहते हैं कि इसमें सबको मौका मिलना चाहिए था इन इंक्वायरी टू सी हु इज टेलिंग द ट्रूथ, क्या हम सही कह रहे हैं कि वो सही कह रहे हैं। मैं सवाल अब एक पूछ लूं जी, अब आप खत्म हो गए ना क्योंकि आप रिपीट कर रहे हैं अपने आप को। पहली बात, सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने जो किया सही किया या गलत किया वो उस पर हम बात नहीं करेंगे, कर दिया ना। लेकिन इस पर आप सही है ना, एक पॉइंट पे चलते हैं ना जी, जी कर दिया, चलें हम आपकी ये भी चले मान लेते हैं मफरूजे के तौर पे कि गलत किया। अच्छा दूसरी बात हो गई, तीसरी बात ये होगी, अच्छा अब हम क्या करें, हम आपको वापस ओहदे पे बिठा सकते हैं? आप भी कहते हैं कि नहीं हो सकता है, तीसरी बात हो गई। चौथी बात हम क्या करें, हम ये कर सकते हैं कि ये अभी मफरूजों पे, ये ना समझें कि हमारे ये फैसले हैं, गलत रिपोर्टिंग नहीं करें कि ये इंक्वायरी गलत थी, पिटिशनर को नहीं बरतरफ करना चाहिए था, और अब इनको समझा जाएगा कि जैसे ये बाइज्जत रिटायर हो गए, यही हो सकता है ना ज्यादा से ज्यादा। ऑर्डर आप पूरी बात सुन लीजिए ना, ठीक है, तो वो उनको उनकी रात, उनकी पेंशन, उनको जैसे कि एक रिटायर्ड जज बाइज्जत रिटायर होता है उस तरह से इनको ट्रीट किया जाएगा। एक तो ये केस है कि जी, फिर हमने आपसे पहले कल जो बात की थी वजाहत से पूछा था, कई दफा पूछा था कि आप
या तो आईनी बात करें और कानूनी बात करें और फिर इन लोगों को छोड़ दीजिए कि इनका जिक्र ना करें, अपनी पिटीशन एडमेंड करें और इन सबका तस्करा निकाल दें और सिर्फ ये बात करें कि मुझे इंक्वायरी नहीं मिली सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल से। आपने कहा नहीं, मैं अपने हर हरफ पे, हर लफ्ज पे खड़ा हूँ। मैंने कहा फिर हम आपको किसी के पीठ के पीछे इल्जाम नहीं सुनेंगे, आप पहले दरख्वास्त दीजिए कि उनको पार्टी बनाए, अब हम उनको नोटिस दें या ना दें। अब आप आगे बढ़ें और आपने उनके नाम लिख दिए। अगर आपकी बात को सही, जिस तरीके से आप चल रहे हैं, आपका मुझे लगता है ये करने का मकसद ये है कि मेरा सिर्फ मकसद पेंशन हासिल करने का नहीं है, मेरा मकसद है कि पाकिस्तान सही तर्ज पे चले, आईन के मुताबिक चले, जमहूरी अंदाज पे चले, ये हम इम्प्लाई कर रहे हैं। या तो हमें कह दें आपकी सोच गलत है और पिटिशनर ये नहीं चाहता है, उसको सिर्फ अपनी पेंशन से दिलचस्पी है और आईन और कानून वो इशू नहीं रेज कर रहा है। अगर आपने जब ये इशू रेज कर दिए हैं तो फिर हमें समझ नहीं आ रही हम आगे चलेंगे तो बस एक ही इतना वक्त जो लगा रहे सरकार। हम अटॉर्नी जनरल को शायद कहें, अटॉर्नी जनरल वो आके कह रहे थे जी हम इनको ऐसी पेंशन दे देते हैं, चलो खुश, आपका मसला खत्म हो जाएगा। पेंशन का मसला नहीं, वो तो फिर यही हमसे पूछने, मसला है क्या गुजारिश, मसला ये है। मैं आप हम नाकिस तफ्तीश नहीं करना चाहते जी, हम कंप्लीट तफ्तीश करना चाहते हैं। कंप्लीट तफ्तीश में यू आर नॉट कोऑपरेटिंग, सॉरी टू से। ठीक है फिर तफ्तीश में उन सबको बुलाएं, हम करना चाहते हैं। किसको बुलाएं, हम आपसे पूछ रहे हैं, आप हमारे साथ करें। आप चलिए इतना तो बता दें कि क्या उन्होंने अचीव किया। चलिए आप सीनियर लॉयर हैं, आपको पता है इस माशरे में आप भी रहते हैं, हम भी रहते हैं, पता है फायदा किसे हुआ, सौदा किससे किया, किससे फायदा हुआ। इन्होंने एक पे पार्टी को खत्म करने के लिए एक शख्स को जेल से ना निकालने की सूरत में इनसे झुका गया। हम इस वक्त नुकसान कह सकते हैं जो इनके नॉलेज में था कि फलां को जो है रिलीफ नहीं देना, उसका फायदा क्या है वो इस सारी सिचुएशन में वाजे तौर पर नहीं है। फायदा हो चुका है, किससे हो चुका है ये बता, पूछ रहे प्रिजम्पशन है कि उससे नुकसान, एटलीस्ट आप प्रिज्यूम तो करें। देखिए नुकसान उस वक्त हुआ, प्रिज्यूम तो करें एटलीस्ट आपके ख्याल में कि उस अमल का जो उन्होंने किया था, नो डाउट वो गलत अमल, अगर किया तो नो डाउट बहुत ही गलत अमल था, अगर किया था तो उसका आप प्रिज्यूम क्या करते हैं कि अंदाजा क्या लगाते हैं, प्रिजम्पशन हो सकती है। देखिए ना उसके नतीजे में हो सकता है एक पॉलिटिकल लीडर को नुकसान हुआ हो, जो कि बात सामने इसमें आई है। तो अब सवाल है किसको फायदा हुआ, वो उसका कॉन्सिक्वेंशली टू थिंग्स आर नॉट नेसेसरली कनेक्टेड। मैं अर्ज करना चाहता हूँ क्यों। देखिए ना एक बात तो थी कि एक पार्टी को जैसे इनसे जो उन्होंने कहा गया अबाउट ए पर्टिकुलर पॉलिटिकल लीडर कि वो बाहर ना आए, उनको नुकसान पहुंचाना तो नजर आ रहा है। चलिए आपकी मर्जी जी, आपने मशावरत कर ली अपने पिटिशनर से, मशावरत के ही नतीजे में नहीं, वो क्योंकि शायद हमें ना करें आपसे करें, क्योंकि हमने मौका दिया था, आपने कर ली मशावरत, कम्प्लीट किए, बस इसी के साथ प्रोसीड कर। बस सर ये जो हमारी इस वक्त आपके सामने मालूमात है, आपके क्लाइंट को इल्म नहीं था कि किसको फायदा हो रहा है, यानी आपके क्लाइंट को इल्म नहीं था कि फायदा किसे होने जा रहा है। देखिए फायदा हमें पता नहीं, ये पता नहीं था उस वक्त, तो नहीं पता था किसको ये तो आप चाहते हैं ना कि इस फोरम से या किसी भी फोरम से ये पता जरूर लगना चाहिए कि 70 साल पहले, 60 साल पहले, 50 साल पहले, आज और कल किसको फायदा पहुंचाया जा रहा है और क्यों पहुंचाया जा रहा है, ये तो मालूम करना लाजमी है या नहीं। नहीं सर ये मैं कहता हूँ एक दफा कहा जाए कि कोई बाहर से इंटरफेयर, तो हमें हिस्ट्री पे नहीं भूलनी चाहिए, फिर हमें हिस्ट्री नहीं भूलनी चाहिए, हमें हिस्ट्री याद करके पता करना चाहिए कि हिस्ट्री में हमारे साथ क्या क्या हुआ, फिर देखेंगे क्यों हुआ, फिर ये देखेंगे कि आइंदा क्यों होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, अगर नहीं होना चाहिए तो उसके रास्ते बनाए जाने चाहिए। अप टू दिस कोर्ट यस व्हाई नॉट। खान साहब यू हैव रिटन अ वेरी कॉम्पेंडियस बुक ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, लाइक यू आर ऑथर ऑफ मेनी वेरी गुड बुक्स। आप ही की किताब का हवाला देता हूँ,
مولوی تمیزالدین خان واز دا پریزیڈنٹ, اس کو کہتے تھے آف دی کیا تھا کانسٹیٹیوئنٹ اسپیکر نہیں تھا, پریزیڈنٹ اس کو کہتے تھے آف دی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی, ہی واز ریموڈ. جی جی, ہو بینیفیٹڈ؟ ظاہر ہے کوئی نہ کوئی کانسٹیٹیوئنٹ. ہو یو ار یو ار اے کانسٹیٹیوشنل لائر یو آسک. میں آئی ڈنٹ فالو دی نیم. مولوی تمیز الدین خان, مولوی تمیز الدین خان واز ریموڈ, واز ریموڈ اینڈ کانسٹیٹیوٹ اسمبلی واز ڈیزالوڈ. ٹھیک ہے, ہو بینیفیٹڈ؟ میں یہ کہہ سکتا ہوں, نو نو کہہ نہیں, آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے دی کنٹری سفرڈ, آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. جی جی, وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ نہیں بتانا چاہتے ہیں. مینیپولیٹر غلام محمد بینیفیٹڈ. غلام محمد واز این انسٹرومینٹ. میری تو ہی واز واٹ واٹ واز ہی واز ا گورنر جنرل ایکچولی. ہو بینیفیٹڈ دی کیبنٹ دیٹ ہی براٹ ان بینیفیٹڈ, کریکٹ؟ نو نو, پر آپ کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے. میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں خان صاحب, ایک سوال, ہر چیز کے پیچھے. خان صاحب سنیں, آپ کی اس بات سے ایک نیا اینگل آ گیا. آپ کہتے ہیں کہ ہی واز انسٹرومینٹل, تو اس کا مطلب فائدہ کوئی اور اٹھا رہا ہے, انسٹرومینٹ کوئی اور ہوتے ہیں, تو ایٹ لیسٹ انسٹرومینٹ کا نام بتا دیں. یہی ہوتا رہا ہے اس ملک میں, کانسیکوینشل بینیفٹس کسی اور کو ملتے رہے. نتیجہ کیا ہوا, وہ جو ایفرٹ تھی کانسٹیٹیوشن بنانے کی 1954 میں, وہ فرسٹریٹ کی گئی, جس کے نتیجے میں پیریڈی کا پرنسپل 56 کانسٹیٹیوشن میں داخل کیا گیا. سر وہ چیزوں کو ٹوٹلٹی دیکھنا پڑتا ہے. اس کو یہ بتا کنکلوڈ کرنے کی طرف میں لاسٹ پہ کر, کیا یہ انسٹرومینٹل بنانے کے لیے یہ سلسلہ ختم ہو گیا یا جاری ہے؟ جی, وہی لوگ جو خاص مقاصد اچیو کرنا ہے, مثال کے طور پر اس بات میں لے جا رہے ہو. خاص مقاصد تو آپ سے پوچھ رہے ہیں, آپ نے مجھے روکا کہ اسٹیبلشمنٹ کا نام نہ لو. مقاصد لیکن دیکھیں, سوری یہ نہیں چلے گا. آپ ڈونٹ پٹ ورڈز ان مائی ماؤتھ. We are in a court of law. ٹھیک ہے, یو کین ٹاک اباؤٹ تھیٹر, فائن, یو کین ٹاک اباؤٹ سم تھنگ ایلس. ان دس کورٹ روم کانسٹیٹیوشنل لینگویج, لیگل لینگویج ول بی ہرڈ. پیپل کال, آئی ایون اسٹاپڈ کالنگ, پلیز ڈونٹ کال اٹ دا ایپکس کورٹ, بیکاز دس بک وچ وی ٹیک اوتھ بائی ڈزنٹ کال اٹ ایپکس کورٹ, اٹ کالز اٹ سپریم کورٹ. ڈونٹ کال اٹ آگسٹ کورٹ, بیکاز دس بک کالز اٹ سپریم کورٹ. سر پلیز ٹھہر جائیے نا. اب دی آل مائٹی آلسو سیز تھنگس ان دی ہولی بک, سیز وی کال یو مسلمز, ہی ہیز گیون اے نیم. ٹھیک ہے, سو اف یو کین کال مسلم بائی سم ادر نیم, وائی ڈونٹ یو چوز دا ون وچ دا سورس گیوز یو. اف یو ڈونٹ وانٹ ٹو, اف یو جسٹ وانٹ ٹو, دوز آر تھنگس یو کین سے آؤٹ سائڈ. وی آر ویری کلیئر وین دا پولیٹیکل ڈومین اینڈز اینڈ وین دا کانسٹیٹیوشن اینڈ لیگل ڈومین اسٹارٹس. وی میک اے لانگ اسپیچ اینڈ نوبڈی وانٹس ٹو ڈو اینی تھنگ اباؤٹ دا پاسٹ اینڈ آل وی ہیو بیکم اے نیشن آف کمپلینرز. اچھا یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, بھائی آج تو آغاز کر لیں نا, اب کافی نہیں ہو گئے 75 سال. نہیں, ہم بات نہیں کریں گے, ہم سچ نہیں بولیں گے. بھائی ہم پرانے کیسز اٹھا کر کے ہمیں کوئی فائدہ مل رہا ہے تو آپ بولے ہاں جی آپ کو فائدہ مل رہا ہے. ہم تو ترتیب سے کیس چلا رہے ہیں, ختم ہے. آپ کا کیس دیکھا جی, اتنے دن سے لگا نہیں, کیوں نہیں لگا؟ ہم اپنے پہ انگلی اٹھا رہے ہیں. آپ کا کیس پچھلی دفعہ کب لگا تھا؟ یہ لگا کچھ 1.5 سال پہلے, 1 سال 4 مہینے پہلے, اگست 2020, 13 جون 2022, یعنی ڈیڑھ سال. اب مسئلہ کیا ہے, آپ ٹاک شوز میں تو آ کے بات ضرور کریں گے کہ ہمارا کیس نہیں لگا, ہمارے سامنے ہم پہ انگلی اٹھا کے کہیے نا. دیکھیں یہ ہوتی ہے ہمت, یہ ہوتی ہے سچائی. ہم پہ الزام لگائیے اور ہم آپ سے معذرت کریں گے کہ غلطی ہو گئی.